जितना बेशर्मी से आप बात कर रहे हो बीजेपी के लिए, मेरा सीधा सवाल आपसे यही रहेगा, मैंने मोदी जी का दिया और अडवाणी जी के साथ में जो व्यवहार किया उतना तो बीजेपी का आदमी नहीं डिफेंड कर देगा जितना मर्यादित ढंग से या कोई नैतिकता के वजह से बीजेपी के लिए। बीजेपी हो सकता है आपको आज प्रवक्ता बना दे, आपको चैनल को आज लगता है कि आज एडवर्टाइजमेंट दे दे, खुदते दे। वो हम देखेंगे कि हम प्रवक्ता बनते हैं या नहीं, लेकिन आपकी तरह कोई भारत रत्न अगर पाया हुआ हो जिसका सम्मान राष्ट्रीय सम्मान होता है और आप सर इतने योग्य हैं, आपने पद की लालसा में इतना बड़ा बयान दे दिया। उदित राज जी आप बोलेंगे सर? लगता है कि उनका संपर्क कट गया। और ये थे उदित राज, और जब ये हमसे बात कर रहे थे तो ये कांग्रेस दफ्तर गए थे, एक बयान दिया जो मीडिया में चला। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, इसको ये मानते हैं कि अगर ये सवाल उठाता है तो ये गोदी मीडिया का सवाल है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को खुश करना है। क्या अब मीडिया में कांग्रेस के इसी तरह के नेताओं का डिवीजन, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो व्यक्ति सवाल पर इतना नाराज हो जाए, अनाप शनाप और तुम तड़ाक पर आ जाए और मीडिया फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। सवाल यही है कि कांग्रेस का हश्र आज क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, ये इन्हीं नेताओं के कारण। और हमारी बात अगर राहुल गांधी के पास पहुंचे, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के पास पहुंचे और अगर सोनिया गांधी के पास पहुंचे तो निश्चित उन्हें समझना चाहिए कि क्या भाषा की कोई मर्यादा और उसकी सीमा होनी चाहिए या भी नहीं। बड़ा सवाल है ये। देश के नेता थे प्रणब मुखर्जी, और देश का नेता मैं कहने के लिए फिर पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूं। प्रणब दा की अपनी क्या भूमिका थी भारतीय राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, बंगाल की राजनीति में। अभी जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये पूर्व नौकर शाह भी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे, सांसद रहे ये, और उसके बाद इन्होंने मौका देखा तो कांग्रेस का भी दामन थाम लिया, इसलिए कि इनको कुछ मिल जाएगा। कुछ भी नहीं मिला अभी इनको। ये दावा करते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक इनके साथ है दलितों का, लेकिन आज तक मायावती के कुछ सवालों का ये जवाब नहीं दे पाए। ये है उदित राज, और ये जब मीडिया से बात करते हैं, जब इनको आईना दिखाया जाता है, तब ये तुम तड़ाक की बात करते हैं। लेकिन मीडिया अपना काम करेगा, और कांग्रेस के इन्हीं नेताओं के कारण आज ये स्थिति है। जिस कांग्रेस की संस्कृति में पत्रकारों से भी बातचीत करने का एक तरीका होता था, तमाम चैनल्स पर इनके प्रवक्ता बैठते हैं और इसी अंदाज में बात करते हैं, जब इनको आईना दिखाया जाता है तब ये गोदी मीडिया का तमगा लगा देते हैं। सवाल अब आपसे, क्या उदित राज जैसे नेताओं की चाटुकारितापूर्ण भाषा, जो इन्होंने पद प्राप्त करने के लिए कांग्रेस में अपने आप को प्रासंगिक करने के लिए किया है, क्या ये देश स्वीकार करेगा? बड़ा सवाल है। कई ऐसे सवालों पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता पर एक किताब लिखी और किताब में कुछ ऐसे मुद्दों और बातों का जिक्र किया, उसके बाद कांग्रेस में खलबली मची और कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दे दी। प्रणब दा जैसे वरिष्ठ नेता और भारत रत्न के खिलाफ एक ऐसी टिप्पणी सामने आई है जिससे ये तो पूछना बनता ही है कि आखिर में कांग्रेस की संस्कृति यही है क्या कि अपने पूर्व नेता और भारत रत्न के खिलाफ ऐसी बात कही जाए, और कहा किसी और ने नहीं बल्कि जाने माने नेता उदित राज, जो बहरहाल फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उदित राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीके न्यूज में। इसलिए कि कांग्रेस ने ही उनको यहाँ तक पहुंचाया, वर्ष से अर्श तक। अगर वो बड़े काबिल थे, बहुत बड़े मास लीडर थे, तो अपने बूते पर चुनाव जीत के आते, राज्यसभा के ज्यादातर मेंबर रहे
और जिस स्टेट से वो आए, बंगाल से, बंगाल में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते, और एक टाइम ऐसा था कि अपनी पार्टी बनाया था तो बड़े कैपेबल थे तो अपनी पार्टी चला लेते। तो कमियां होती हैं, लेकिन आप जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो दिवंगत हैं, भारत रत्न हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उनकी इज्जत करते थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनकी इज्जत करती थी। दशकों तक कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रणव दा को जाता है। और अगर उन्होंने कुछ बातों का जिक्र अपनी बेटी से कर दिया, उसके बाद आप ये कहेंगे कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, और छेद क्या किया? अरे भाई, आप आपका दिमाग जो है एक जगह सेट है। इतना कुछ कांग्रेस ने दिया भाई, ऐसा नहीं होता कि 100% परफेक्शन होता। मोदी ने क्या दे दिया भाई? आरएसएस बीजेपी ने क्या दे दिया कि मोदी को बहुत बड़ा बड़ी प्रशंसा किया उन्होंने? अरे भाई, होता है, एक बात है, दूसरी तो बात कहा कि मोदी ने क्या दिया, सोनिया जी ने तो उन्हें राष्ट्रपति बनवाया। तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी का आप देखिए, ऐसा है कि मुझे जो कहना तो मैंने कह दिया। अब कि मोदी जी ने क्या दिया, मोदी जी तो उनके आदर्श हो गए, और जिसने फर्श से अर्श तक पहुंचा है उसकी कोई ना कोई कमी, और बताया भी है बेटी को तो बेटी। सर उदित राज सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक उदाहरण दीजिए जिसमें प्रणव दा अपनी भूमिका में रहे, जिस भी भूमिका में रहे, वो अनुचर की भूमिका उन्होंने निभाई। कभी उन्होंने मोदी की बात उन्होंने किताबों में जिक्र किया, राहुल के बारे में उन्होंने अपनी बेटी से कहा, सोनिया के बारे में बेटी से कहा, सार्वजनिक तो नहीं कहा, ये तो उनकी बेटी ने जिक्र किया। आपको तो कम से कम, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। अरे भाई, आप मुझे ना सिखाइए भैया, आप निष्कर्ष मत। नहीं, मैं सिखा नहीं रहा हूँ। नाराज मत होइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। एक सर देखिए, आप मैं छोड़ता हूँ, ये बकवास मत करो भैया, सुनना सुनो। मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, ये बकवास नहीं है। वो भारत रत्न थे, वो भारत रत्न थे, भारत रत्न तुम्हारा काम सवाल है तो तुम निष्कर्ष निकालने वाले भाई। क्या कांग्रेस की यही संस्कृति अब बन गई है? अरे क्या संस्कृति है, लात मारती है बीजेपी, सारे गोदी मीडिया होगा, औकात नहीं है। संस्कृति कांग्रेस ने ही तुम लोगों को बनाया। औकात नाप रहे हैं, औकात आप अपनी नापिए। उदित राज जी सुनिए, आप सुनिए, गोदी मीडिया की औकात आप मत नापिए। आप पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारे सवालों का तब जवाब दूंगा जब हमें बोलने दोगे। बीच में क्यों आ जाते हो? बोलिए बोलिए आप। और अभी भी मैं आपको, आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपका सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भारतीय राजनीति में आपने भी कोई भूमिका अदा की। मैं तो सर आपका सम्मान कर रहा हूँ। इसलिए क्या सम्मान, तुम लाए सम्मान लायक नहीं हो क्या? पहली बात तो आपसे आप तुम में आ गए, लगता है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं सर। तुम इस लायक हो? हाँ मैं हूँ, मैं हूँ। मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। बात पूरा करूँ? तीन बार मैंने कोशिश किया, मेरे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। नीचे आप गिर गए, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, तो भैया क्यों सवाल कर रहे हो मुझसे? फिर मैं तुझे क्यों ले? मेरे सवाल का जवाब देने थे। मेरा अनुरोध है कि आप सवाल का जवाब दीजिए। आप बोलने देंगे तब तो दूंगा, तीन बार आपने टोका बीच में। चलिए सर दीजिए, अब मेरा बात खत्म नहीं। बीच में आपने अपना वैल्यू करना, आप तो दीजिए, आप तो दीजिए प्रभु। और मैं मेन मीडिया से भी मैं इतना ही इजाजत देता हूँ कि तुम सवाल पूछो, जवाब दूंगा। तुम्हारा काम यह नहीं जवाब देने का है। मेरे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया। अरे भाई, आप जवाब देने दोगे तब तो। चलिए बोलिए सर। एक बात है कि मोदी जी को आदर्श माना उन्होंने,
मोदी आरएसएस और बीजेपी में बनाया क्या, कुछ कमियां जरूर होती हैं, परफेक्ट इंसान नहीं होता है। और इतने ऐसा नहीं कि प्रणब मुखर्जी पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं गए थे, कांग्रेस पार्टी छोड़े थे, अपनी पार्टी भी बनाई थी। तो अगर वो चीज खोजने लगोगे ना तो आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। लेकिन आज मैं बीजेपी में एमपी रहा, बीजेपी एमपी मुझे बनाई मेरे वोट के एवज में, मेरा अपना वोट बैंक है, फिर भी एमपी बनाने का क्रेडिट मैं देता हूँ। कांग्रेस ने जहाँ अर्श से उनको फर्श से अर्श तक पहुँचाया, आप कोई ना कोई कमी दिखा करके कि ये करना, अरे आप अगर बड़े पुरुषार्थी थे तो आप अपनी पार्टी जो बनाए थे उसको चला दिए होते, या बंगाल में कांग्रेस पार्टी को कमजोर न होने देते। मैं ये सवाल किया हूँ यही, अब आप दूसरा सवाल कर सकते। अब मैं सवाल दूसरा आपसे करूंगा, और सर अब आप नाराज मत होइए, आप उससे बड़े हैं इसलिए आप कुछ भी नाराज होके बोलेंगे तो मैं नाराज नहीं होगा। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो हम करेंगे। मेरा दूसरा सवाल सुनिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रणव दा ने बंगाल में कांग्रेस की स्थिति को नहीं संभाली? भैया ऐसा है जी कि यही बड़े नेता बच गए थे अब्दुल गनी खान के बाद, और ये तो बंगाल जब कांग्रेस इतना कुछ दे रही थी तो आपको अपना जमीन बचाना चाहिए था, आप जिस प्रदेश से आए। अगर कांग्रेस, मैं ये कह सकता हूँ कि 7 लोकसभा है दिल्ली में, और मैं पार्टी को कुछ न कुछ देना चाहता हूँ। अभी 50-60 हजार की रैली किया, पार्टी को दे के लेता हूँ, ये नहीं कि टेबल पॉलिटिक्स करके गुटबाजी करके डिप्लोमेसी वाला नहीं करता हूँ। प्रणब मुखर्जी जी को बंगाल की कांग्रेस की जो गिर रही थी हालत, उन्हीं के टाइम में खत्म हुआ, उसको क्या संभालने में उनका योगदान हुआ ये बताइए। मैं अब आप मुझसे पूछेंगे मैं बताऊंगा तो आप सर कहेंगे कि आप जवाब नहीं, इसमें से सवाल आप पूछिए। अगला सवाल कि सर एक कुछ भी हो वो पूर्व राष्ट्रपति रहे, और अगर प्रणव दा में कोई राजनयिक कुबत नहीं होती, राजनीतिक कुबत नहीं होती, संगठन को चलाने और समझने की कुबत नहीं होती, तो कब कब उन्होंने कांग्रेस को संभाला? अगर हम उदाहरण देंगे तो सर घंटों हमारे आपके डिबेट चल सकते हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, क्या सर कांग्रेस की संस्कृति में अब ये बात भी आ गई कि किसी दिवंगत बड़े नेता के पद पर जो रहा हो, अब कई पदों पर रहा हो, उसका इस तरह से असम्मान किया जाए जैसा आपने किया है? आप मोदी जी से पूछते हैं, बीजेपी से पूछते हैं कि जिस बच्चे को पैदा किया, हाथ अंगुली पकड़कर सिखाना शुरू किया मोदी जी को, आडवाणी जी का नमस्कार तक स्वीकार नहीं किया, ये सवाल। लेकिन ये मोदी जी ने आडवाणी जी पर इस तरह की कोई टिप्पणी की है या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता? उससे ज्यादा अपमान किया है कि जीते जी, मतलब ये आप मानते हैं ना कि आपने अपमान कर दिया है? अरे भाई सुन तो लो पहले जवाब, आपने खर्च कर दिया, मुझे जवाब देने दीजिए, बीच में आप मत करिए। जीते जी खड़े होकर के अडवाणी जी नमस्कार कर रहे हैं, मोदी जी मुंह फेर रहे, ये सवाल करते तो बात होती है, किसी की हिम्मत कर दीजिए। नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूँ, परंपरा की बात करते हो, इज्जत की बात करते हो, क्या परंपरा? मेरा सवाल तो आपसे ये है ना, मान लीजिए मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने कर दिया है तो मोदी जी से पूछना चाहिए। सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी को पैदा किया, मोदी ने लात मार दिया उनको, क्या बात करते हो? मतलब आपने भी वही सीख लिया, कांग्रेस की संस्कृति में तो ये नहीं रहा है। नहीं सीख लिया नहीं, तो वहाँ सवाल पहले करो ना भाई। नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब मोदी जी से बात करने की बात आएगी तब उनसे सवाल पूछेंगे। क्या बात करोगे आप लोगों की हिम्मत है बीजेपी के प्रवक्ता से बुला के बातचीत करो कि मोदी जी ऐसा क्यों किए? है हिम्मत किसी की? भाई जीते जी मार दिया, जीते जी मार, मान लीजिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जी से पूछना चाहिए ना सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपसे सीधा सा सवाल है। आप जो है
आप बीजेपी को आपने खुश कर दिया, धन्यवाद। आप बड़ा मर्यादा की बात कर रहे हैं तो पहले पूछ लीजिए, वहाँ पर सब पैरों के नीचे दब कुचल दिए गए हैं। मेरे सवालों का जवाब आपने नहीं दिया, और आप बताइए कि ये जो सवाल आपने उठा दिया प्रणव दा पे, आपको कांग्रेस में क्या पद मिलने जा रहा है, किसकी लालसा थी? अरे भैया, आपने खुद कर दिया, पहले सवाल पूछिए ना मर्यादा का। कि बीजेपी मेरे सवालों का सर आप जवाब नहीं दे पा रहे। मोदी जी को जिन्होंने, अरे भाई मोदी, अरे सवाल क्या पूछ रहे? मेरा सीधा सवाल है कि क्या अभी आप हमारा अभी आप कांग्रेस दफ्तर भी गए थे? पूछ रहे हैं आप कांग्रेस दफ्तर भी गए थे? अरे खुश कर दिया सोनिया जी को आपने, खुश कर दिया राहुल जी को, खुश कर दिया। अब उसका पारितोषिक तो आपको मिल जाएगा, यही चाह रहे थे ना आप? आपको तो मिल गया, आपको आपको भी मिल जाएगा ना? हाँ दीजिए, आप दीजिए, जो आप दे रहे हैं वो तो मुझे स्वीकार है। इतना बेशर्मी से बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं कहेगा, वो भी मेरा सीधा सवाल यही है। इतना बेशर्मी से आप बात कर रहे हो बीजेपी के लिए? मेरा सीधा सवाल आपसे यही रहेगा। जो उदाहरण मोदी जी का दिया और अडवाणी जी के साथ में जो व्यवहार किया, वो उतना तो बीजेपी का आदमी नहीं डिफेंड कर देगा जितना मर्यादित ढंग से या कोई नैतिकता के वजह से बीजेपी के लिए। बीजेपी हो सकता है आपको आज प्रवक्ता बना दे, आपको चैनल को आज लगता है कि आज एडवर्टाइजमेंट दे दे, वो हम देखेंगे कि हम प्रवक्ता बनते हैं या नहीं। लेकिन आपकी तरह कोई भारत रत्न अगर पाया हुआ हो, जिसका सम्मान राष्ट्रीय सम्मान होता है, और आप सर इतने योग्य हैं, आपने पद की लालसा में इतना बड़ा बयान दे दिया। उदित राज जी आप बोलेंगे? सर लगता है कि उनका संपर्क कट गया, और ये थे उदित राज, और जब ये हमसे बात कर रहे थे तो ये कांग्रेस दफ्तर गए थे, एक बयान दिया जो मीडिया में चला। भारत रत्न प्रणव मुखर्जी, इसको ये मानते हैं कि अगर ये सवाल उठाता है तो ये गोदी मीडिया का सवाल है, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को खुश करना है। क्या अब मीडिया में कांग्रेस के इसी तरह के नेताओं का डिवीजन, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो व्यक्ति सवाल पर इतना नाराज हो जाए, अनाप शनाप और तुम तड़ाक पर आ जाए, और मीडिया फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। सवाल यही है कि कांग्रेस का हश्र आज क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, ये इन्हीं नेताओं के कारण। और हमारी बात अगर राहुल गांधी के पास पहुंचे, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के पास पहुंचे, और अगर सोनिया गांधी के पास पहुंचे, तो निश्चित उन्हें समझना चाहिए कि क्या भाषा की कोई मर्यादा और उसकी सीमा होनी चाहिए या भी नहीं। बड़ा सवाल है ये। देश के नेता थे प्रणब मुखर्जी, और देश का नेता मैं कहने के लिए फिर पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूं। प्रणव दा की अपनी क्या भूमिका थी भारतीय राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, बंगाल की राजनीति में? अभी जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये पूर्व नौकर शाह भी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे, सांसद रहे ये, और उसके बाद इन्होंने मौका देखा तो कांग्रेस का भी दामन थाम लिया, इसलिए कि इनको कुछ मिल जाएगा। कुछ भी नहीं मिला अभी इनको। ये दावा करते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक इनके साथ है दलितों का, लेकिन आज तक मायावती के कुछ सवालों का ये जवाब नहीं दे पाए। ये है उदित राज, और ये जब मीडिया से बात करते हैं, जब इनको आईना दिखाया जाता है, तब ये तुम तड़ाक की बात करते हैं। लेकिन मीडिया अपना काम करेगा, और कांग्रेस के इन्हीं नेताओं के कारण आज ये स्थिति है। जिस कांग्रेस की संस्कृति में पत्रकारों से भी बातचीत करने का एक तरीका होता था, तमाम चैनल्स पर इनके प्रवक्ता बैठते हैं और इसी अंदाज में बात करते हैं, जब इनको आईना दिखाया जाता है तब ये गोदी मीडिया